माइनक्राफ्ट बढ़िया होने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे अमेजिंग रोबोट्स जिनके पास है उनकी खुद की इनक्रेडिबल पावर्स जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे पास सबसे पहला रोबोट है क्रीपर रोबोट। वाओ, ये कितना अच्छा दिखता है और साथ में एक क्रीपर की शक्ल बनी हुई है। सो बैठ के देखता हूँ। ओ भाई साहब, ऊंचा ऊंचा फील आ रहा है। एंड इसकी हेल्थ तो देखो, ओ चल भी दमदार तरीके से रहा है। सर लग रहा है कि भारी हो एंड मजबूत। एंड मेरे पास एक डायनामाइट लॉन्चर भी है। अब वो बता रहा कि मुझे इसका यूज़ नहीं आता। एक इसने मुझे नीचे फेंक दिया। एंड चलो मैं दोबारा बैठ जाता हूँ। बट यहाँ पर इस बटन से क्या होता है? वाओ, इसके पास खुद की इन्वेंट्री भी है। शायद यहाँ रखने से ये फायर करे, बट कैसे करेगा? पता नहीं, मैं वापस ले लेता हूँ। कुछ तो होता होगा, इतना भारी नाम है तो कुछ अच्छा ही काम करता होगा। बट ऊपर चढ़ देते हैं। वाओ, ऊपर चढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है। एंड ये जंप भी कर सकता है इतना भारी होने के बाद भी। वाओ, ऊपर चढ़ने में तो मज़ा ही आ गया। एंड अब देखते हैं फायर कैसे करता है। फायर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे फायर हो जाए भाई साहब। हुआ, फायर हुआ, बट कैसे हुआ आई डोंट नो। चलो एक काम करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं शायद। एंड शायद ये रोबोट जंप करने से फायर कर रहा है, शायद। मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। फायर नहीं हुआ। मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ। एंड फायर हुआ, दोबारा हुआ, बट इस बार मुझे नहीं मालूम पड़ा कैसे हुआ। क्या करूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। एंड 1 घंटे बाद, हाँ मैं सीख गया कैसे फायर करना है। एंड फायर करना बहुत ईजी है। शायद अगर मैं पबजी खेलता तो नहीं आता। केवल स्क्रीन को होल्ड करके रखना है और फायर हो जाएगा। एंड जितना बड़ा नाम है, दर्शन तो छोटे ही हैं, बट मज़ा आ रहा है फायर करने में। चलो एक काम करते हैं, किसी एक शिकार को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको फायर करके मारते हैं। और फाइनली मुझे एक मुर्गी मिल चुकी है, इसको मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा अब। एंड बच गई, दोबारा बच गई, ये अब नहीं बचने वाली। वाह, ये तो भाग रही है। मर जा, लास्ट बार, किस्मत कितनी अच्छी है। ये देखो दूसरी मर गई बट ये नहीं मरी। चलो ये तो बच गई। एंड अब हमारा अगला रोबोट। वाह, ये कितना बड़ा है। एंड इसके अंदर ये कौन बैठा है? अगर क्या मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये मुझे मारेगा। एंड एक काम करता हूँ, इसको मैं मारूँगा, इसलिए मैं यहाँ से एक स्वॉर्ड लेता हूँ। अब आओ तुम मार भाई, ये तो गोलू हमारा, मारने भी नहीं दे रहा। हट जा, मारने दे। नहीं, ये मुझे ऐसे नहीं मारने देगा। मैं क्या करूँगा? देखो हाँ भी बोल रहा है। अब देखो मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैं इसको अब डायनामाइट लॉन्चर से मारूँगा, भले रोबोट टूट जाए। फायर करता हूँ मैं। नहीं, रोबोट नहीं टूट रहा, केवल इसी को चोट लग रही। बहुत सही, ये अच्छा है। फाइनली ख़त्म। अब इसकी सवारी मैं करने वाला हूँ। एंड वाह, इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ है। एंड इसमें स्पीड के अलावा कुछ भी खासियत नहीं है, लेकिन अच्छा था। एंड अब हमारे पास है पावर जंपर। इसका नाम सुन के लग रहा है ये बहुत ऊँची जंप मारता है। सही में बहुत ऊँची जंप मार रहा है एंड स्पीड भी बढ़िया है। वाह, एक बार एक ऊंची छलांग लगा देखिए क्या यहाँ पे। वो कितना ऊंचा था। एंड ये केवल ऊंची छलांग नहीं मारता, छलांग मारने के साथ साथ ही माइन भी करता है। वाओ, क्या अमेजिंग फीचर है। मैं एक और बार इसको ट्राई करना चाहता हूँ। एंड वाओ, बहुत अच्छी माइनिंग करता है ये तो। बट नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एंड अगला रोबोट है हमारा कोरल बस्टर। इसका नाम है बस्टर है और इससे ज़्यादा हमें पावर फिश गन फ्री मिलती है, क्या बात है। एंड डाइव मार के देखते हैं क्या कर सकता है ये। पानी में डाइव तो मार ली बट अंधेरा बहुत है, मुझे पोशन पी के आना चाहिए था। एंड अब यहाँ अपनी पफर फिश गन को ट्राई करके देखता हूँ। बेकार है शायद, जंप मार के देखूँ क्या। जंप भी बेकार है। एंड क्या पफर फिश गन से इसको डैमेज मिलेगा? ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि ये अगर पानी का ही आर्मर है तो अच्छा डैमेज मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला। यानी कि आर्मर सबसे घटिया है, आई मीन आर्मर नहीं रोबोट। बट तुम लोगों ने यहाँ तक देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।